सो व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वन सेकंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनियस क्लासेस, और मैं विपुल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। चैप्टर हमारा इंडियन इकोनॉमी चल रहा है, और इंडियन इकोनॉमी बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज मैं आपको टॉपिक लेकर आया हूं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, ठीक है ना। तो आज ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चलिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आइएगा शुरू करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ एन एक्सटेंसिव बैकग्राउंड विच गोज बैक टू 10,000 ईयर, यानी कि 10,000 साल पहले अगर हम जाएं तो हिंदुस्तान के अंदर कृषि क्षेत्र किस तरीके से था। एट प्रेजेंट इन टर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन द कंट्री होल्ड द सेकेंड पोजिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इंडिया का एट प्रेजेंट कृषि के क्षेत्र में दूसरा स्थान है। इन 2007 एग्रीकल्चर एंड अदर एसोसिएटेड इंडस्ट्री सच एज लेबरिंग एंड फॉरेस्टी रिप्रेजेंटेड अराउंड 16.6% ऑफ द ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। इन एडिशन द सेक्टर एम्प्लॉयज अबाउट 52% ऑफ द एंटायर मैन पावर, regardless of the fact that there had been a gradual slump in its contribution to the gross domestic product of the country. Indian agriculture in the currently the biggest industry in India, yani ke jo bhartiya krishi hai is time pe current year mein currently bharat ke andar sabse badi dusri industry hai krishi, agriculture industry. On the whole, it has a key role of the socioeconomic growth of the country. यानी कि देश के अंदर सबसे ज़्यादा सामाजिक अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ की है वो है कृषि, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है इन द टर्म ऑफ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो कृषि का जो क्षेत्र है ना, उसने कंट्रीब्यूट कहाँ कहाँ किया है, किस टर्म में कंट्रीब्यूट। द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया द मोस्ट डेवलपमेंट स्टेट, जो मोस्ट डेवलपमेंट स्टेट हैं जैसे कि पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। लिखा हुआ है कि द ऑल दीज स्टेट प्ले ए की रोल इन एग्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द टोटल अराइवल टेरिटरी इन इंडिया 12,69,219 किलोमीटर स्क्वायर, which represent about 56.78% of the overall land zone of the। अगर बात करें रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का रोल। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द विर्चुअल रोल ऑफ एग्रीकल्चर अराइज आउट ऑफ द पोजिशन द सेक्टर ऑक्यूपाई इन द ओवरऑल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इसको पढ़ सकते हैं आप पूरा, ठीक है। जो इसमें पीछे मैंने पढ़ाया वही सेम है कि किस तरीके से हिंदुस्तान डेवलप हुआ कृषि के क्षेत्र में, चाहे वो फूड में हो, रॉ मटेरियल हो, एम्प्लॉयमेंट, ए लार्ज प्रोपोर्शन पॉपुलेशन, कैपिटल ऑफ इट्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ द सरप्लस फॉर नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट्स ए सिग्निफिकेंटली लार्ज शेप टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ये ड्यूरिंग 2006-07 की स्टूड अबाउट 18.5%, फिर फॉल डाउन 14.2% GDP 2010-11, ठीक है। ये सब पढ़ सकते हो आप जो डाटा दे रखा है। और इसके बाद ये कुछ खास नहीं है, ये पढ़ सकते हैं आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम, क्रेडिट, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। काउजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी पढ़ सकते हैं आप, क्या क्या है। द काउजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कैन बी डिवाइडेड इन 3 ब्रॉड कैटेगरी, जनरल फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। 3 फैक्टर होते हैं, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी। तो जनरल फैक्टर आपके सामने ही लिखे हुए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से तैयारी कर लें।
इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ कॉलबैकेशन, इनएक्यूरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्रीज और नेचुरल केमिकलिटीज। उसके बाद ये पढ़ सकते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स और टेक्निकल फैक्टर। ओके, मेजर ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी पढ़ सकते हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कहीं, यहीं कहीं मेजर ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी का स्क्रीनशॉट ले लें। ये सब इसके मेजर्स हैं, किस तरीके से इसको मापा गया, ठीक है, आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की जो क्लास हो, बाकी का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, ठीक है। अभी तक इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ ही अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझसे बात करनी है तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। थैंक यू बच्चों, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।